नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। साउथ चाइना सी में चीन को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका एक ऐसा सुपर वेपन बना रहा है जिसने चीन में खलबली मचा दी है। अमेरिका उस हथियार के दम पर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद चीन की वॉरशिप फ्लीट को तबाह कर सकता है। खास बात तो यह है कि अमेरिका का वो हथियार रूस और चीन के हथियारों से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है, और अब अगर चीन अमेरिका से टकराने की हिमाकत करता है तो बाइडेन तबाही का ट्रिगर दबा देंगे और वो सुपर वेपन साउथ चाइना सी में जाकर चीन के जंगी बेड़े को तहस नहस कर देगा। समंदर धधकेगा, ड्रैगन कांप जाएगा, बारूदी ज्वालामुखी फटेगा, बीजिंग दहल जाएगा, हाइपरसोनिक तूफान आएगा, क्रेमलिन में कोहराम मचेगा। अमेरिका का विध्वंसकारी प्रहार, चीन रूस में मचेगी चीख पुकार। साउथ चाइना सी में बैकफुट पर चल रहे अमेरिका ने ऐसा तगड़ा दाव चला है जिससे जिनपिंग की सांसें उखड़ गई है, क्योंकि अभी तक साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत रखने वाला चीन वहां से खदेड़ा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा जबरदस्त हथियार बना लिया है जिसकी कार्ड ना तो चीन के पास है और ना ही रूस के पास। बाइडेन के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में खुलासा करें, उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका को ऐसे हथियार की जरूरत क्यों पड़ी जो साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दरअसल ताइवान स्ट्रेट ये वो इलाका है जहां हमेशा चीन के वॉरशिप तैनात रहते हैं। कहने को ये ताइवान के समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन चीन की दादागिरी देखिए कि वो इसी इलाके में अपने वॉरशिप फ्लीट को तैनात करके ताइवान को लगातार धमकाता रहता है। ताइवान स्ट्रेट में चीन वॉर एक्सरसाइज भी करता है, उसके वॉरशिप बारूदी हुंकार भरते हैं। ये सब कुछ ताइवान पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ऐसे वक्त में अपने वॉरशिप से गोलाबारी कराता है जब अमेरिका के वॉरशिप उसी इलाके में होते हैं। अमेरिका ने ताइवान से संधि की हुई है कि वो संकट में ताइवान का साथ देगा, खास तौर से चीन से युद्ध के दौरान अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ेगा। लेकिन चीन की साउथ चाइना सी में घेराबंदी जो धीरे धीरे पूरे पैसिफिक रीजन में बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि चीन की धौंस इतनी बढ़ जाए कि अमेरिका के वॉरशिप को वहां से हटाना पड़े। इसलिए अमेरिका ने इतना हाईटेक वेपन तैयार कर लिया है जो साउथ चाइना सी में बड़े विध्वंसकारी वॉरशिप फ्लीट को तहस नहस कर देगा, जिससे दो काम एक साथ होंगे। एक तो चीन का दबदबा साउथ चाइना सी में कम हो जाएगा, दूसरा ताइवान पर कब्जे का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाइडेन का HALO ब्रह्मास्त्र, चीन पर सबसे तगड़ा प्रहार। US छोड़ेगा हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रैगन का तैयार जाल। और उस जाल में फंसकर चीन न सिर्फ तड़पेगा बल्कि उसका वार ऐसा होगा कि ड्रैगन की सारी प्लानिंग का खात्मा हो जाएगा। चीन की मिसाइल से भी तेज रफ्तार, रूस की मिसाइल से भी विनाशक, अमेरिका के पास सबसे आधुनिक हथियार। रूस चीन दावा करते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा विध्वंसक मिसाइल है, लेकिन अमेरिका ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जो अब तक की सबसे हाईटेक और विनाशक मिसाइल कही जा रही है। अभी तक दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों को सबसे ज्यादा मारक माना जाता है चीन की DF-17 और रूस के किंजल, लेकिन अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद से चीन और रूस पिछड़ गए हैं। अमेरिका इसे कैरियर किलर मिसाइल कह रहा है। अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरियर किलर इसलिए कह रहा है कि इसको खास तौर से समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट फ्लीट को तहस नहस करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेंटागन को इस बात का अंदाजा है कि अगर चीन को काबू में रखना है तो समंदर में उसकी ताकत को कम करना होगा, जिसमें अमेरिका की कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका की हाइपरसोनिक HALO मिसाइल गेम चेंजर क्यों साबित होगी ये भी समझिए। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल HALO की रेंज 1900 मील है, जबकि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की रेंज 1700 मील है। इसी तरह रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल की रेंज 1500 मील है। सबसे खास बात यह है कि HALO की स्पीड भी दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 और किंजल की तरह 5 मेक से ज्यादा है।
इसके अलावा तीनों की अलग अलग तरह की खूबी है। HALO जहां पूरी वॉरशिप फ्लीट को समंदर में डुबोने का दमखम रखती है, वहीं चीन की DF-17 भी वॉरशिप को तबाह कर सकती है, जबकि किंजल न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका HALO का न्यूक्लियर पेलोड वर्जन भी तैयार कर ले, लेकिन अभी के वक्त में HALO की मारक क्षमता और उसकी समंदर में फ्लीट को डुबोने की ताकत उसे सबसे ज्यादा हाहाकारी बनाती है। दरअसल अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि चीन को अगर रोकना है तो उसे समंदर में कमजोर करना होगा। दुनिया में हथियारों की होड़ है और इसमें तीन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका, रूस और चीन। तीनों लगातार विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एकजुट हो चुके हैं, ऐसे वक्त में अमेरिका के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल एक दुरुपका इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि HALO के दम पर अमेरिका हथियारों की रेस में काफी आगे निकल जाएगा। साल 2028 में इसे सर्विस में लेकर आएगा, लेकिन वक्त वक्त पर ट्रायल करेगा। अमेरिका ने इस बात का इशारा भी दे दिया है कि उसकी तैयारी पूरी है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो HALO मिसाइल का इमरजेंसी वर्जन तैयार है, जो कभी भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के मंसूबे को तबाह कर सकती है। दरअसल चीन समंदर में लगातार अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है, जहां वो वॉरशिप फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप की तादाद बढ़ा रहा है, वहीं लगातार मिसाइल बनाकर अमेरिका को सीधे तौर पर ललकार रहा है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक जखीरा तैयार कर रहा है, जिसके दम पर वो कैलिफोर्निया तक तबाही का मंसूबा पाले हुए है। इतना ही नहीं, अमेरिका के गुआम, पर्ल हार्बर सैन्य बेस, दूसरी तरफ जापान के ओकिनाका टापू और ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन टापू पर मिसाइल अटैक कर सकता है। चीन के इतने विनाशकारी मंसूबे का जवाब अमेरिका अपने HALO हाइपरसोनिक मिसाइल से देना चाहता है, इसलिए HALO का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले रूस ने जापान सागर के पार सुपरसोनिक मिसाइल दाग कर अपने दबदबे को बढ़ाने का संकेत दे दिया। ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी हो चला है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में न सिर्फ अपना दबदबा बढ़ाए, बल्कि हथियारों की ऐसी खेप तैयार करे जिसके जरिए सीधे वॉशिंगटन से बीजिंग और मॉस्को तक प्रहार कर सके। और उसी खेप का सबसे विनाशकारी हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल HALO है, जिसने क्रेमलिन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।